गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय सभी राशियों का राशिफल एवं कर्ज मुक्ति उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्तीस अगस्त गुरुवार 2024 श्री सुख संवत 2081 शक संवत 1946 भादो महीना अंधेरा पार एकादशी तिथि सूर्य सिंह राशि में चंद्रमा मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र शाम को 7:41 तक तदुपरांत पुनर्वर्त नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य दक्षिण दिशा परिहार जीरा। कहने का मतलब यह है आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए जरूरी है तो आप जीरा खाकर यात्रा आरंभ करें तो आपको सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। राहु काल दिन में 1:30 से 3 बजे तक, गुल्ली काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें, क्यों जो भी शुभ काम या यात्रा का आरंभ राहु काल में किया जाता है ये दोनों ही काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना है चाहते हैं तो ये दोनों ही काम अगर आप गुली काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेकर चलते हैं। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी कर लीजिए। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं, आप बिल्कुल टेंशन न लीजिए, क्यों हम आपकी हेल्प करेंगे। देखो भैया, दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि प्रमोद कुमार, प्रीतम सिंह। अब आप क्या करेंगे, तो भाई प्रा को आप पास देखें, कहने मतलब प्रा को आप कन्या राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि त्रिलोकी, त्रिभुवन। तो अब आप क्या करेंगे, त्रा को आप त्रा से देखें, कहने मतलब त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है, ज्ञा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि ज्ञान सिंह, ज्ञानेश्वर। तो आपको क्या करना, तो भाई ज्ञा को आप गा से देखिए, कहने मतलब ज्ञा को आप मकर राशि में देखिए। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है और श्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि श्रवण कुमार, श्री राम। अब आप क्या करेंगे, तो भैया श्रा को आप श्रा से देखिए, कहने मतलब श्रा को आप कुंभ राशि से देखिए, ठीक है ना। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं। एरिस यानी मेष राशि। मेष लग राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए शुभ है। परिश्रम के द्वारा कामों में सफलता प्राप्त होगी। आज आपका साहस बल मजबूत रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं। माता का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, अपने भाइयों का अपमान न करें। टोरस यानी वृषभ राशि। वृषभ लग राशि के जातकों, भाई बहन का सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम के द्वारा रुके हुए कामों में सफलता मिलेगी। धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु परिवार में कुछ चिंता रहेगी। परिवार के लोगों को जैसे कुछ चिंता रहेगी। आयु में वृद्धि होगी। पुरुषों की शक्ति का आपको लाभ मिलेगा। विशेष उपाय,
पूरे बदन में दही लगाकर आप स्नान कर लीजिए। जेमनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है, धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं, मन खुश रहेगा, पति और पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा। भैया आज आप खुश हो जाइए, आज आपको गृहस्थ सुख भी मिलेगा। विशेष उपाय, नहाने के पानी में लटी जीरे का चूर्ण मिला करके आप स्नान करिएगा। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है, दिमागी टेंशन बढ़ने की योग है, खर्चा भी बढ़ेगा, परंतु बाहरी स्थानों से मदद मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपनी माता एवं अपनी सासू माँ से आशीर्वाद प्राप्त करिए। लियो सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों, आज का दिन समान रहेगा, आमदनी और खर्चे लगभग बराबर रहेंगे, विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, संतान से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं। लव पार्टनर वाले सावधान रहें, उनके लव पार्टनर से संबंध में कटुता आने की योग है। विशेष उपाय, अपने पिता का सम्मान करें। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी कामों में सफलता मिलने की योग है, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने की दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, किन्नरों को हरा वस्त्र दान दीजिए। लिब्रा यानी तुला, तुला लग्न राशि के जातकों, आज का दिन शुभ है, पिता को सुख प्राप्त होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग है, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, साहस बल मजबूत रहेगा। विशेष उपाय, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों, आज धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, भाग्य में बाधा पड़ेगी, धन लाभ होने के योग हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा, परंतु अपयश मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, अपने छोटे भाइयों का अपमान मत करिएगा। सेजिटेरियस धनुराशि, रोजी रोजगार मंदा रहेगा, पति या पत्नी को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, मन खुश रहेगा, बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने के योग है। विशेष उपाय, सदगुरु का सम्मान कीजिएगा। कैपिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों, आज खर्चे के प्रति सावधान रहिएगा, दुश्मन आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, आमदनी मंदी रहेगी, पति या पत्नी को कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने के योग दिख रहे हैं। विशेष उपाय, गरीबों की हाय मत लीजिएगा। एक्वेरियस कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों, आज संतान को कष्ट मिलने के योग दिख रहे हैं, विद्यार्थियों को विद्या में कमजोरी महसूस होगी, आमदनी मंदी रहेगी, लव लाइफ वाले का जो लव पार्टनर से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, चमड़े के जूते चप्पल दान करिएगा। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों, आज के दिन शुभ है, संतान का सहयोग प्राप्त होगा, माता को सुख मिलेगा, वाहन सुख मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा,
विद्यार्थियों को विद्या का विशेष लाभ मिलेगा। आज आपका लव पार्टनर का संबंध आपसे अच्छा रहेगा, यानी आपका लव पार्टनर आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। विशेष उपाय, अपने पति का सम्मान कीजिए। अगर अपने राशिफल में विशेष सटीकता चाहते हैं तो अपने राशिफल को लग्न से देखें। अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो हमसे संपर्क करके अपनी लग्न की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा जिन लोगों ने हमारे बताए हुए उपायों से लाभ उठाया है वो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो हैं। आवश्यक सूचना आप पर कहीं से भी तंत्र प्रयोग कराया गया है, आपके बच्चों पर तथा आपके परिवार पर, आप पर किसी ने जादू टोना या मारल प्रयोग करवाया है, आपके घर में भूत प्रेत पचास आठ बुरी शक्ति का निवास है, आपका बच्चा दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, शुक्र हड्डियों का ढांचा बन गया है, आदि तांत्रिक समस्याओं का निराकरण झाड़ फूक के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष में हस्तरेखा परीक्षण, जनपति परीक्षण, जनपति निर्माण, ग्रह शांति, सत्यनारायण कथा, विवाह आदि मांगलिक कार्य भी करवाए जाते हैं। मोबाइल नंबर 9807-2255-23, व्हाट्सएप नंबर 9807-2255-23, केशवपुरम आवास विकास नंबर 1।